निम्रा, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? डॉक्टर ने कहा है कि दादो पहले से बहुत बेहतर हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र, दादू की कंडीशन बेहतर हुई है। तो अब क्या परेशानी है फिर तुम्हें? नीला, तुम्हें तो पता होगा, दादो ने मेरी रिश्ते की बात की है। अरे हाँ, दादो की फिक्र में तो मैं भूल ही गई थी, इसीलिए खफा हो ना तुम मुझसे कि मैं तुम्हें मिलके मुबारक नहीं दी। बहुत बहुत मुबारक हो। पागल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। दादो कह रही थी कि शादी के बाद पढ़ लेना, लेकिन ये तो मैं भी जानती हूँ कि शादी से पहले सब वादे करते हैं और शादी के बाद सब भूल जाते हैं। हाँ ये तो बात है, लेकिन अम्मी कह रही थी कि दादो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में तुम्हारा घर बस जाए, और वो अपनी तबीयत को लेके बहुत फिक्रमंद है, और तुम्हारे सिलसिले में वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा तो मैं देखती ही ना। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखो निम्रा, सब अच्छा होगा। वैसे कैसा है वो? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, सरवत बेगम के साथ आप लोग हैं? ये बाहर से कुछ मेडिसिन लानी होंगी, हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं आती। अनीला, मैं ये मेडिसिन लेकर आती हूँ, आप दादो के साथ जाकर बैठ जाओ। हाँ हाँ बेफिक्र होके जाओ, मैं दादो के पास ही। निम्रा मुझे कुछ खुश दिखाई नहीं दे रही, कहीं दादी इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही?